सो अगर आपका NDA एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड आर्मी ज्वाइन करने का सपना है तो आज शाम 7 बजे एक जामपुर डिफेंस वॉरियर चैनल पे एक सेशन मिलेगा, लाइव सेशन शाम 7 बजे से स्टार्ट होगा, वो आपको ज्वाइन करना है। यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। तो शाम 7 बजे मिशन यूनिफॉर्म करके ये जो लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो भी कैंडिडेट्स आपके इंडिया के हैं, एयरफोर्स के, नेवी के, कोस्ट गार्ड के, आर्मी के हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर चैनल। शाम 7 बजे मिशन यूनिफॉर्म करके जो सेशन आएगा इसमें आपके लिए सरप्राइजेस होंगे। अब सरप्राइजेस आप गेस कर सकते हो क्या क्या हो सकते हैं। हो सकता है फ्री क्लासेस आपके लिए लगा दी जाए कुछ, या हो सकता है एग्जामपुर ऐप पे आपको कुछ PDF फ्री प्रोवाइड कर दिया जाए, या फिर हो सकता है आपके इंडिया एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड आर्मी एग्जाम के लिए पूरा बैच का बैच ही फ्री में करा दिया जाए। तो कुछ ना कुछ सरप्राइज़ है आप सभी के लिए शाम 7 बजे, तो ज्वाइन करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे आपको एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो रिमाइंडर पे क्लिक करके आप ऑन कर दीजिएगा उसको, और या फिर डिस्क्रिप्शन पे चेक करिए या फिर कमेंट बॉक्स में चेक करिए, आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित, वेलकम बैक टू माई चैनल। इंडियन नेवी AA SSR अगस्त 2022 बैच का जो नोटिफिकेशन है वो आना है, इसकी जो वैकेंसी भर्ती आनी है, सभी लोग बेसब्री से वेट कर रहे हो आप लोग, और ये ज़रूर उम्मीद लगा रखे होगे कि जो इसकी वैकेंसी है वो ऑनलाइन कर दी जाए, जिससे सभी का ऑलमोस्ट एडमिट कार्ड आ सके और सभी लोग एग्ज़ाम दें। उससे पहले ये जो नोटिफिकेशन है आपको दिख रहा है, ये नेवी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है 100% जेन्युइन है। ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये नोटिफिकेशन अगस्त 2022 बैच का है, और इसके हिसाब से आपका जो पेपर है वो आपका ऑफलाइन होगा, है ना, ऑफलाइन पेपर आपका कराया जाएगा इसके हिसाब से, मैंने आपको बताया था। अब हुआ ये कि इस नोटिफिकेशन पे जो डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो डेट दे रखी है यहाँ पे 29 मार्च। 29 मार्च से इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने थे, 29 मार्च जो है वो निकल चुका है, लेकिन इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। कल भी मैंने चेक किया, आज भी चेक किया। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, समझिए। सबसे पहले एक बात आती है, क्या ये नोटिफिकेशन फेक है? तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन है फेक नहीं, 100% जेन्युइन नोटिफिकेशन है। कैसे? अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया, तो ये 100% जेन्युइन कैसे है? देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये जेन्युइन इसलिए है, देखिए ये नोटिफिकेशन है जो का आपका नेवी का, एयरफोर्स का या कोस्ट गार्ड का है, ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के 10 या 15 दिन पहले ही आपका सरकारीrezult.com, सरकारीexam.com इन सब पे आपका अवेलेबल हो जाता है। अब ये उनको कैसे मिल जाता है ये अलग विषय है ना, अभी उस पर हम बात नहीं करते। तो ये जो नोटिफिकेशन आपके सामने दिख रहा है ये मैंने सरकारीrezult.com से डाउनलोड किया था और इसके बारे में डिटेल पढ़ी थी, सारी एकदम ऑफिशियल है और कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो फेक है। पहली चीज़ तो सरकारीrezult.com इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि ऐसी चीज़ें नहीं करेगा कि आपको फेक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करे, तो ये नोटिफिकेशन सही था। अब बात ये है कि 29 मार्च को ये जो नोटिफिकेशन है सेम टू सेम यही नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाता और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की भी लिंक आपको मिल जाती जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर पाते, लेकिन ये जो वैकेंसी थी वो ऑफलाइन थी। अब यहाँ पे 29 मार्च जो है वो निकल चुका है लेकिन जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है, 30 भी निकल गया और आज 31 मार्च है ना। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं भाई, या तो पहली चीज़ जो है वो तो मुझे नहीं लगती कि अब ये नोटिफिकेशन दोबारा रिलीज होगा। अगर ये नोटिफिकेशन के हिसाब से 29 मार्च से फॉर्म फिलिंग आपकी होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही तो फिर कुछ ना कुछ आपके बदलाव होने वाले हैं। बदलाव में मुझे जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि जो आपका पेपर है वो ऑनलाइन कराया जा सकता है। तो अब नया नोटिफिकेशन आपका जारी होगा और नई रजिस्ट्रेशन डेट्स जारी होंगी, इसके बाद आपका पेपर ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है ये उसी नोटिफिकेशन में आपको पता चलेगा। तो यही थी जानकारी मेरे पास जो मैंने आपको बता दी है। जानकारी और भी हैं कुछ लेकिन वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। इंडियन नेवी की AA SSR की अगर वैकेंसी ये ऑनलाइन हो रही है तो ये मान के चलो MR की भी वैकेंसी जो है वो ऑनलाइन हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए कि जो इंडियन नेवी की ओर से AA SSR का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके हिसाब से 29 मार्च से आपके फॉर्म फिलिंग होने चाहिए थे जो कि नहीं हुए है। ये जो नोटिफिकेशन 100% जेन्युइन है लेकिन इसके हिसाब से चीज़ें नहीं हुई हैं, तो सिंपल सी बात है अब जो नोटिफिकेशन वो नया रिलीज होगा और जो पेपर है वो हो सकता है आपका ऑनलाइन कराया जाए और सभी को मौका मिले। तो यही जानकारी मुझे आपको इस वीडियो में देनी थी। बाकी डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम का चैनल है, ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी जो भी मुझे पता चलेगा। इसके अलावा कल से रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलेंगी इंडियन नेवी AA SSR MR तीनों एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो। साथ में ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम आने वाला है ना, उसकी भी वैकेंसी निकली थी, आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको जो मिलती रहेंगी चैनल पर। ठीक है,